हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो आपने थंबनेल में देखा कि मादा खरगोश का जन्म से पहले ही बच्चे डिलीवर कर देना, मतलब कमज़ोर बच्चे देना या फिर मरे हुए बच्चे देना, तो ये किस कारण होता है? डैमेज बच्चों को जन्म देना, वीक बच्चों को जन्म देना। तो ये जन्म से पहले ही बच्चे देने के जो मेन कारण है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहे वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स देखो, जन्म से पहले डिलीवर वही फीमेल करेगी। जैसे फ्रेंड्स, किसी फीमेल को हमने 3 महीने या 4 महीने में, जब वो मैच्योर नहीं होती है, बच्चे देने के लायक नहीं होती है, और हमने उसको छोटी उम्र में ही मेल रैबिट के साथ में रख दिया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो बच्चे देगी। तो अधिकतर फीमेल का यही रहता है कि वो कमज़ोर बच्चे देगी, जन्म से पहले बच्चे डिलीवर करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो मैच्योर ही नहीं हो पाती है, समझ ही नहीं पाती है, उसका पूरा गर्भाशय विकसित हो ही नहीं पाता है, और उसे आप मेटिंग करवा देते हैं तो वो फ्रेंड्स इस तरीके के बच्चे जन्म देती है, जन्म से पहले बच्चों को देती। या फ्रेंड्स, आप जैसे बच्चे देने वाली हो, फ्रेंड्स जैसे मान लो प्रेग्नेंट है 20 दिन की, 22 दिन की, 15 दिन की, तो बच्चे तो बन गए, और आपने उसको रॉन्ग डाइट दिया, आपको खाना पीना उल्टा सीधा दिया, फ्रेंड्स उसके पेट में दर्द हुआ, इससे भी वो बच्चे डिलीवर जल्दी कर सकती है। और फ्रेंड्स जैसे आप जैसे अगर उसको पकड़ने का गलत तरीका है, या फिर फ्रेंड्स उसको आपने कहीं ऊपर से गिरा दिया है फीमेल रैबिट को, या आपने पकड़ा इस तरीके से कि जिससे उस पर दबाव आए, तो फ्रेंड्स वो बच्चे जन्म से पहले डिलीवर कर सकती है। तो फ्रेंड्स कभी भी अपने रैबिट के साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं करें, जिससे क्या है कि वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बाकी आप खुद ही समझदार है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रैबिट से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।